नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने घर का काम कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार या इंजीनियर को किस प्रकार में आप दे सकते हैं। अगर आप भी अपने मकान का काम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कुछ ठेकेदार भोले भाले मकान मालिकों को लाखों का चूना लगा देते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। इससे बेहतर है कि आप खुद ही ये बात जान लो। ठेकेदार को आप दो तरीके से काम दे सकते हैं, एक है लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में मकान मालिक को सभी चीज़ें लाकर देनी होती है, जैसे स्टील, सीमेंट, रेती, ईंट वगैरह, और ठेकेदार आपको अपने लेबर लगवा के काम पूरा करके देगा, इसके बदले वो आपको चार्ज करेगा। और दूसरा है मटेरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ठेकेदार ही सब कुछ करेगा, मटेरियल भी लाएगा और अपने लेबर से काम भी करवा के देगा। इसका मतलब ठेकेदार आपसे मटेरियल और लेबर दोनों का चार्ज लेगा। अब दोनों प्रकार के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। अगर मकान मालिक नौकरी वगैरह करता है, उसके पास वक्त नहीं है वो सारी चीज़ें लाकर देने का, तो वो ठेकेदार को विथ मटेरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। और अगर मकान मालिक इसके मालिक के पास वक्त है सब चीज़ लाकर देने में, तो वो सिर्फ लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दे सकता है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ मकान मालिक के लिए सबसे ज़रूरी बात, और वो ये है कि अपना घर बनाने से पहले अपने एरिया में किन किन लोगों का काम शुरू हुआ है और किन किन लोगों ने पिछले एक साल में अपना घर बनवाया है, उनसे जाकर बातचीत करें कि उन्होंने किस प्रकार से अपने घर का काम किया है, कहाँ से मटेरियल लिया है और किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। इससे आपको समझ आएगा कि किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।